वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों. बच्चों हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसके अंदर आपको पता है न्यू पार्टनर जब बिजनेस में आता है दो चीजें लेकर आता है, एक तो कैपिटल और एक गुडविल. उस कई बार आपके पास क्वेश्चन में ये नहीं पता होता न्यू पार्टनर कितनी गुडविल लेकर आया, लेकिन क्वेश्चन में आपके पास फर्म की गुडविल होती है. अगर फर्म की गुडविल नहीं होती, फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन बताया हुआ होता है, हम फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं और कोई पार्टनर पूरे फर्म की गुडविल नहीं लाता अपने शेयर की, तो फर्म की गुडविल में से हम उसके शेयर की गुडविल निकाल लेते हैं, है ना. मतलब गुडविल नहीं होती तो फर्म की गुडविल होती है, हम उसके शेयर की वहां से निकाल लेते हैं. अब आपके पास क्वेश्चन में क्या चीज है, अभी तक आप जो आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे थे न्यू पार्टनर ने कितनी गुडविल लानी है कितनी कैपिटल लानी है पूरा क्वेश्चन में क्लियर होता था, लेकिन अब आपके पास क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल मिसिंग है. न्यू पार्टनर की क्या मिसिंग है, कैपिटल गिवन नहीं है न्यू पार्टनर ने कितनी कैपिटल लानी है. और ऐसा पॉसिबल नहीं है, न्यू पार्टनर तो कैपिटल लाएगा ही लाएगा, ठीक है, लेकिन अमाउंट गिवन नहीं है. तो आपको पता है अगर कोई अदरवाइज इंफॉर्मेशन नहीं है तो कोई पार्टनर अपने शेयर के लिए कैपिटल लेकर आएगा, उसके शेयर की कैपिटल निकालने के लिए आपके पास नई फर्म की कैपिटल होनी चाहिए. आपके पास उसके शेयर की कैपिटल निकालने के लिए फर्म की कैपिटल होनी चाहिए, जैसे उसके शेयर की गुडविल निकालने के लिए फर्म की गुडविल होनी चाहिए होती है, तो आप फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करते हो. उसी तरह से अगर न्यू पार्टनर की कैपिटल मिसिंग है और कह रहा है कि वो अपने शेयर की कैपिटल लाता है, उसके शेयर की कैपिटल निकालने के लिए आपके पास नई फर्म की कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है. और आपके पास न्यू फर्म की कैपिटल नहीं है तो उसके शेयर की कैपिटल निकालने के लिए आपको पहले फर्म की नई फर्म की कैपिटल निकालनी पड़ेगी. तो आपके पास क्या मिसिंग है, न्यू पार्टनर की कैपिटल मिसिंग है. क्या लिखा हुआ है वो ध्यान से सुनना. आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट गिवन होती है, न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लाता है वो बैलेंस शीट के नीचे होता है. अभी तक मान लो न्यू पार्टनर का नाम सी है, ठीक है, तो लिखा होता था सी ब्रिंग्स 1 लाख कैपिटल दिस, ये चीज लाइन लिखी होती थी, लेकिन अब नहीं लिखा. अब क्या लिखा हुआ है, सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये लिखा हुआ है. अमाउंट नहीं लिखी हुई, ये लाइन लिखी हुई है, सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल. अब आप कहोगे प्रोपोर्शनेट मतलब इक्वल टू हिज शेयर, सी ब्रिंग्स कैपिटल इक्वल टू हिज शेयर, अपने शेयर के इक्वल लाता है. मान लो न्यू पार्टनर को एडमिशन दिया है 1/6 शेयर के लिए, तो न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेकर आता है वो 1/6 शेयर के लिए लेकर आता है, पूरे फर्म की नहीं लाता अपने शेयर की. लेकिन आपको पता है सी के शेयर के निकालने के लिए मेरे पास किसकी कैपिटल होनी चाहिए, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, क्योंकि अगर आपके पास नई फर्म की कैपिटल होगी तो आप उसमें से उसके शेयर की निकाल लोगे, ठीक है. तो उसके शेयर की कैपिटल निकालने के लिए मेरे को किसकी कैपिटल निकालनी आनी चाहिए, नई फर्म की कैपिटल निकालनी आनी चाहिए. और आपके पास न्यू फर्म की कैपिटल नहीं है, क्योंकि किसी भी पार्टनर का शेयर होता है फर्म में, तो उसके शेयर की कैपिटल निकालने के लिए हमारे पास फर्म की कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है. तो हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, हम न्यू फर्म की कैपिटल कैसे निकालेंगे. देखो फर्म में जितने पार्टनर होते हैं उनकी कैपिटल का टोटली फर्म की कैपिटल होता है. आपके पास जो बैलेंस शीट गिवन है वो ओल्ड पार्टनर की बैलेंस शीट गिवन है, उसके अंदर दो पार्टनर है, उनकी कैपिटल का टोटल नई फर्म की कैपिटल नहीं है, ओल्ड फर्म. न्यू फर्म में तीन पार्टनर है, उनकी कैपिटल का टोटल फर्म की कैपिटल होगी, ठीक है. लेकिन ओल्ड बैलेंस शीट में जो कैपिटल है वो दो पार्टनर की है, उनकी कैपिटल का टोटल फर्म की कैपिटल नहीं है, क्योंकि वो ओल्ड फर्म है. जितने पार्टनर होते हैं उनकी कैपिटल का टोटल फर्म की कैपिटल, और नई फर्म में अगर न्यू पार्टनर आ रहा है तो उसके एडमिशन के बाद की कैपिटल मिलके, तीनों की कैपिटल मिलके न्यू फर्म की कैपिटल आएगी. तो मतलब ओल्ड बैलेंस शीट से नहीं ले सकते आप,
ठीक है, तो अब आपका टॉपिक है कि उसके शेयर की कैपिटल निकालने के लिए आपके पास नई फर्म की कैपिटल होनी चाहिए. नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म. ठीक है, न्यू फर्म की कैपिटल कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे ध्यान से समझना. आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो बच्चे, आपको मैंने कैपिटल अकाउंट बनाना बताया था. थ्री पार्टनर्स है मान लो एबीसी, ठीक है, कैसे निकालते हैं, बिल्कुल कैलकुलेशन वर्क ध्यान से समझना. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर की कैपिटल मिसिंग है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल. प्रोपोर्शनेट मतलब अपने शेयर के इक्वल लाएगा, उसके शेयर की कैपिटल निकालने के लिए हमारे पास फर्म की कैपिटल होनी चाहिए. ठीक है, तो मुझे न्यू फर्म की कैपिटल कैसे निकालनी है वर्किंग नोट में ध्यान से समझना. आप जैसे कैपिटल अकाउंट बनाते हो ना बनाओ, आप सबसे पहले कैपिटल का क्या लिखते हो, बैलेंस. ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस लिखते हो. सेकेंड नंबर पे रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है लॉस होता है वो ट्रांसफर करते हो उसकी एंट्री. फिर आप बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में देखते हो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो नहीं है, वो ओल्ड रेशियो में बांट देते हो उसकी एंट्री. डेबिट साइड में अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होता है वो ओल्ड रेशियो में बांट देते हो उसकी एंट्री, प्लस डेबिट साइड में ओल्ड गुडविल होती है उसके राइट ऑफ की ओल्ड रेशियो में एंट्री. किसी पार्टनर ने कोई असेट तो नहीं ली, लायबिलिटी नहीं ली उसकी एंट्री. फिर न्यू पार्टनर को एडमिशन देते हैं, न्यू पार्टनर कैपिटल लाता है गुडविल लाता है, लेकिन कैपिटल मिसिंग है तो आप वो एंट्री नहीं कर पाओगे क्योंकि कैपिटल नहीं है. गुडविल लेकर आया है उसकी एंट्री डाल दोगे ओल्ड पार्टनर को, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दे दोगे, और लास्ट एंट्री होती है विड्रॉ की, अगर किसी ने कुछ विड्रॉ किया उसकी एंट्री डाल दोगे. ये मैक्सिमम स्टेप मैंने आपको बताया हुआ है कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए. मतलब पूरा कैपिटल अकाउंट जैसे आप बनाते हो वो बना लो, सिर्फ न्यू पार्टनर ने कैपिटल कितनी लानी है वो चीज मिसिंग है वो छोड़ दो, वो वाली एंट्री बस, कि न्यू पार्टनर ने कैपिटल कितनी लेकर आनी है वो चीज आप छोड़ दो बस क्वेश्चन में. ठीक है, और पूरा कैपिटल अकाउंट बना लो कि कैसे कैपिटल अकाउंट पूरा बनना है. ठीक है, उसके बाद इस कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, ध्यान से देखना कैसे. सिर्फ एक एंट्री जो न्यू पार्टनर की कैपिटल मिसिंग है वो चीज छोड़ दी मैंने, अपने कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दिया. टोटल किया यहां पे, टोटल किया मान लो यहां पे जो बैलेंस आ रहा है ये आ रहा है. सी ने कितनी कैपिटल लानी है वो नहीं है क्योंकि अभी मैंने वो एंट्री नहीं डाली. आगे जो ये जो बैलेंस आएंगे वो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल आएगी 60 और 35. सी कितनी कैपिटल आएगा वो अभी नहीं है. ठीक है, अब कैसे कैलकुलेशन वर्क करोगे ध्यान से सुनना. क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल. प्रोपोर्शनेट का मतलब अपने शेयर की, इसके शेयर की कैपिटल निकालने के लिए मुझे नई फर्म की कैपिटल निकालनी है. ठीक है, तो अब मेरे पास ये किसकी कैपिटल आई है, ए की. ये जो ऊपर बैलेंस लिखे थे ये ओल्ड कैपिटल थी, ओल्ड बैलेंस शीट से ली थी. मुझे ओल्ड कैपिटल नहीं यूज करनी, ए और बी की न्यू कैपिटल जो नई बैलेंस शीट में लिखी जाती है. इस कैपिटल को आप एडजस्टेड कैपिटल भी कह सकते हो, एडजस्टेड कैपिटल कह लो या न्यू कैपिटल कह लो, क्योंकि यही न्यू बैलेंस शीट में लिखी जाती है, यहीं से नई फर्म की कैपिटल निकलेगी. ठीक है, ये जो ऊपर बैलेंस लिखे थे ये बिफोर एडमिशन थे, ओल्ड बैलेंस शीट, ये वाली कैपिटल नहीं चाहिए मुझे ओल्ड पार्टनर की. सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, कैपिटल अकाउंट में सारी एंट्री करने के बाद, मतलब सारी एंट्री सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो ये कैपिटल आती है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कह लो या एडजस्टेड कैपिटल कह लो. ठीक है, तो मुझे फर्म की कैपिटल चाहिए न्यू फर्म की, तो देखना वर्किंग नोट में कैसे बना रही हूँ ध्यान से सुनना. वर्किंग नोट, नई फर्म की कैपिटल निकालने के लिए, क्योंकि मुझे सी की निकालनी है उसके शेयर की निकालने के लिए मुझे नई फर्म की कैपिटल चाहिए. तो मुझे बताओ ये जो कैपिटल है ये एक ही है 60,000 है, और ये इसकी ओल्ड कैपिटल नहीं है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद वाली न्यू कैपिटल है. और किसी भी पार्टनर की जो कैपिटल लगी होती है वो उसके शेयर के लिए लगी होती है, तो ये इसकी न्यू कैपिटल है
तो इस पे न्यू शेयर के लिए लगी हुई है, तो न्यू रेशियो यूज करनी है। मान लो न्यू रेशियो है बच्चे 3:2:1, ओल्ड रेशियो, क्योंकि ये मैं न्यू कैपिटल यूज कर रही हूँ जो न्यू बैलेंस शीट में लिखी जाती है, ओल्ड कैपिटल यूज नहीं कर रही क्योंकि मुझे नई फर्म की कैपिटल निकालनी है। तो एक ही न्यू कैपिटल है और किसी भी पार्टनर की कैपिटल, जब तक कोई अदरवाइज इन्फॉर्मेशन ना हो, तो हर एक पार्टनर की कैपिटल अपने शेयर के लिए लगी होती है। मतलब इतनी कैपिटल इसके इतने शेयर के लिए, 3/6 के लिए, ठीक है। उसके बाद ये बी की कैपिटल है 35, बी का शेयर कितना है 2/6, इसकी इतने शेयर के लिए। तो बच्चे ये मुझे ए और बी की न्यू कैपिटल नहीं चाहिए, मुझे न्यू फर्म की कैपिटल चाहिए, ताकि मैं, क्योंकि किसी भी पार्टनर का शेयर होता है फर्म में, तो मुझे नई फर्म की चाहिए, ठीक है। तो मुझे बताओ ए और बी की ये जो न्यू कैपिटल है 95, ये कितने शेयर के लिए है? 60 कैपिटल 3/6 के लिए, 35 कैपिटल 2/6 के। मैंने इनकी कैपिटल का टोटल किया और इनके शेयर का भी टोटल किया, मतलब इतनी कैपिटल, इतनी न्यू कैपिटल इतने शेयर के लिए है, ठीक है। तो सुनना ध्यान से बच्चे, एक चीज बताओ, मेरे पास कई बार होती है फर्म की कैपिटल है, मान लो मेरे पास फर्म की कैपिटल 1 लाख है, ये फर्म की कैपिटल है, कैपिटल ऑफ फर्म। मान लो किसी पार्टनर का शेयर 1/4 है, किसी पार्टनर का शेयर कितना है 1/4 है, ये फर्म की कैपिटल है, 25 आ गई, ठीक है। आप मुझे बताओ, बाई चांस मेरे पास फर्म की कैपिटल नहीं है, अगर मैं कहूं 25 कैपिटल 1/4 शेयर के लिए, 25 कैपिटल 1/4 शेयर के लिए और फर्म की कैपिटल निकालो, तो आप क्या करोगे, 25 कैपिटल जो है वो 1/4 शेयर के, इसको इधर ले जाऊं, इसका रेसिप्रोकल कर दूं, तो देखो फर्म की कैपिटल आ गई फिर से, क्योंकि फर्म की कैपिटल से ही इसके शेयर की कैपिटल निकली होती है, तो उसके शेयर की आती है, इसके शेयर का और इसकी कैपिटल का रेसिप्रोकल कर दो, फर्म की कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ए और बी की ये जो टोटल 95 कैपिटल है वो इतने न्यू शेयर के लिए है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या कर दो, रेसिप्रोकल, फर्म की कैपिटल आ जाएगी। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकालोगे, ये बच्चे फर्म की कैपिटल नहीं है क्योंकि नई फर्म में 3 पार्टनर है एबीसी, और ये जो ए की न्यू कैपिटल है इतने न्यू शेयर के लिए, न्यू शेयर यूज करना है, ओल्ड यूज नहीं करना क्योंकि मुझे नई फर्म की कैपिटल यूज निकालनी है। ये बी की कैपिटल है इतने शेयर के लिए, तो मैंने जितनी मेरे पास कैपिटल निकल के आई 95 कैपिटल, इतने इनके कैपिटल का टोटल किया, इनके शेयर का टोटल किया, कि इतनी न्यू कैपिटल इतने शेयर के लिए लगी हुई है, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, फर्म की कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। तो 95,000 कैपिटल है, रिवर्स कर दो, तो ये आ गई बच्चे किसकी कैपिटल, आ गई फर्म की कैपिटल, ठीक है। हमने नई फर्म की कैपिटल निकाली ओल्ड पार्टनर कैपिटल, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पर, और कौन सी कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल यूज की ओल्ड पार्टनर की। तो न्यू फर्म की कैपिटल कैसे निकालोगे, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल लोगे, लेकिन ओल्ड नहीं न्यू, एडजस्टेड मतलब उनका न्यू शेयर लोगे, उनकी कैपिटल का टोटल करोगे, उनके शेयर का टोटल करोगे, तो इतनी कैपिटल इतने शेयर के लिए, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, फर्म की कैपिटल आ जाएगी, और वहां से न्यू पार्टनर की कैपिटल निकाल लोगे, सीज कैपिटल 114 फर्म की कैपिटल, और बताओ सी का शेयर कितना है 1/6, तो 1/6 मतलब सी कितनी कैपिटल लेकर आएगा 19 इतनी। तो ये कैलकुलेशन वर्क में आपको करना पड़ेगा कि सी ने कितनी कैपिटल लेकर आनी है, क्योंकि उसने लिखा है सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट का मतलब अपने शेयर, इसके शेयर की निकालने के लिए मेरे पास फर्म की कैपिटल होनी चाहिए, और फर्म की कैपिटल कैसे निकालोगे, ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल यूज करोगे। तो टुडे आवर टॉपिक इज न्यू पार्टनर कैपिटल इज मिसिंग, न्यू पार्टनर की कैपिटल मिसिंग होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा कैपिटल अकाउंट बनाना, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल आएगी, वर्किंग नोट में इस तरह से फर्म की कैपिटल निकालना, फिर सी की कैपिटल लाने की एंट्री कर देना, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल बाय कैश 19, क्योंकि ये चीज मिसिंग थी सी कैपिटल। उसके बाद कैपिटल अकाउंट को फिर से क्लोज करना, क्योंकि ये एंट्री रह गई थी,
ठीक है, तो 60, 35, 19, ठीक है, फिर से बैलेंस निकाल लेना, 60, 35, 19, ठीक है, टू बैलेंस कैरी डाउन, 60, 35, 19, ठीक है। आप देखो इनका टोटल करो, जितने पार्टनर होते हैं उनकी कैपिटल का टोटल ही फर्म की कैपिटल होगी, ठीक है। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो हमारा बस अब ये लास्ट टॉपिक है कि न्यू पार्टनर की कैपिटल मिसिंग होना क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट है बच्चे, हमने सम कर लिए थे, 67 तक कर लिए थे, अभी 68 से लेकर 74 हिडन गुडविल का टॉपिक है। ये न्यू पार्टनर की कैपिटल मिसिंग वाला टॉपिक बच्चे हमारा ये है 81 तक। पहले 75 टू 81 करा लूँ, फिर मैं हिडन गुडविल वाले टॉपिक के बीच में जो छोड़ा है मैंने 68 टू 74, चार पांच क्वेश्चन छोड़े हैं, ये हम इसके बाद करेंगे बच्चे, ठीक है। देखना बच्चों, ये जो मैंने टॉपिक आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल मिसिंग वाला कराया है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखना 75 इलस्ट्रेशन, ठीक है, 69 से 74 अभी गैप करना हिडन गुडविल वाला। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी एज एट 31 मार्च 2018, हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। डेटर्स गिवन है प्रोविजन, स्टॉक, बिल्डिंग, पेटेंट। पेटेंट आपको पता है असेट होती है, इंटेंजिबल असेट, जैसे रेनॉल्ड्स की कंपनी को पेटेंट राइट मिला हुआ है कि उसके जैसे पेन और कोई कंपनी नहीं बना सकती, तो ये पेटेंट राइट हमारी असेट होती है। मशीनरी, बैंक ओवर ड्राफ्ट, बच्चा बैंक का नेगेटिव बैलेंस शो करता है, देखो ना यहाँ कैश है ना बैंक है, तो इस बैंक ओवर ड्राफ्ट के बेस पे मैं बैंक से एंट्री करूँगी। रिजर्व फंड, पड़ा हुआ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट शो करता है। क्रेडिटर्स, कैपिटल के बैलेंस, देखो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल है। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1st अप्रैल 2018, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:6, 2:6, 1:6, दैट मीन्स 3:2:1। देखो इस बार सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट मतलब इक्वल टू हिज शेयर, इसका शेयर है 1:6, तो अपने 1:6 शेयर के लिए कैपिटल लाता है, लेकिन इसके शेयर की कैपिटल निकालने के लिए मुझे पास नई फर्म की कैपिटल होनी चाहिए। आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद वाली कैपिटल पे लाता है। नेक्स्ट, सी ब्रिंग्स 10,000 इन कैश एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, सी गुडविल के इतने लेकर, ब्रिंग लिखा हुआ है इसका मतलब कैश लेकर आ रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस बाय 2,000, प्रोविजन 2,000 से कम हो गया है। देर इज एन ओल्ड टाइप राइटर वैल्यू 2,600, एक ओल्ड टाइप राइटर है 26 का, डज नॉट अपियर इन द बुक्स ऑफ फर्म, इसे फर्म की बुक्स में नहीं दिखाया हुआ। देखो पहले से टाइप राइटर नहीं है, नहीं है ना, देखो बैलेंस शीट में टाइप राइटर नहीं है, नहीं दिखाया हुआ, लेकिन कह रहा है नाउ टू बी रिकॉर्डेड, अब दिखाना है। तो हमारी असेट क्या हो रही है, इंक्रीज, असेट इंक्रीज होना मेरे लिए प्रॉफिट, प्रॉफिट रिवेल्यूशन के क्रेडिट में। पेटेंट आर वैल्यूलेस, पेटेंट आर वैल्यूलेस का मतलब है पेटेंट जीरो हो गई है इनकी वैल्यू, तो असेट की वैल्यू जीरो होना लॉस, लॉस रिवेल्यूशन के डेबिट में। 2% डिस्काउंट इज टू बी रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से 2% का डिस्काउंट रिसीव होना है, क्रेडिटर का डिस्काउंट मेरे लिए प्रॉफिट है क्योंकि कम पेमेंट करनी पड़ेगी, और प्रॉफिट रिवेल्यूशन के क्रेडिट में। प्रिपेयर रिवेल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, कोई एंट्री नहीं करनी, अकाउंट बनाना है। बैलेंस शीट सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन आपने बनाना है, एग्जाम में मत करना बस, ठीक है। तो देखना
देखना बच्चे इसमें एंट्री तो नहीं करनी, लेकिन क्या क्या बनाना है ये ध्यान से देखना। यस बच्चे, सबसे पहले हमें बनाना है रिवेलेशन अकाउंट, ठीक है? तो देखना रिवेलेशन अकाउंट, रिवेलेशन अकाउंट लाइन से रिवेलेशन अकाउंट की चीजें पढ़ना। सेकेंड पॉइंट से है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस बाय 2000। आपको मैंने बताया था प्रोविजन अगर बढ़ता है तो वो मेरे डेटर को डिक्रीज करता है। अब प्रोविजन कह रहा है कम हो गया है, प्रोविजन कम होना मेरे लिए प्रॉफिट है क्योंकि डेटर बढ़ जाएंगे, डेटर मेरी असेट होती है। तो प्रोविजन कम होना मेरे लिए प्रॉफिट कितने से कम हो गया है 2000, और प्रोविजन कम होना मेरे लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट रिवेल्यूशन के क्रेडिट में आता है, ठीक है? तो आपको अपनी एंट्री में रिवेल्यूशन को क्रेडिट रखना है। तो एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूशन, तो रिवेल्यूशन के क्रेडिट में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000 से प्रोविजन कम हो गया है, क्योंकि अगर मैं अपने डेटर में से प्रोविजन कम कर दूंगी तो डेटर बढ़ जाएंगे, तो ये प्रॉफिट ही होगा, मेरी असेट बढ़ जाएगी, ठीक है? आगे पढ़ना, देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर, थर्ड पॉइंट पढ़ो बच्चे, ये हम इलस्ट्रेशन कर रहे हैं 75। देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर वैल्यू 2600, एक ओल्ड टाइपराइटर है 2600 का, नॉट अपीयर इन द बुक्स, बुक्स मतलब बैलेंस शीट, ये पहले से बैलेंस शीट में नहीं है, नाउ टू बी रिकॉर्डेड, अब दिखाना है। तो हमारी असेट इंक्रीज हो रही है, असेट इंक्रीज होना मेरे लिए प्रॉफिट, प्रॉफिट रिवेल्यूशन के क्रेडिट में, तो आपको अपनी एंट्री में रिवेल्यूशन को क्रेडिट रखना है, दूसरी तरफ असेट का नाम। तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूशन, तो रिवेल्यूशन के क्रेडिट में बाय टाइपराइटर 2600। आगे चलना, पेटेंट आर वैल्यूलेस, पेटेंट बिल्कुल जीरो हो गए हैं, चेक करो ओल्ड बैलेंस शीट में पेटेंट 2000 की थी, तो इसकी वैल्यू निल हो गई है, तो लॉस, लॉस रिवेल्यूशन के डेबिट में, तो आपको अपनी एंट्री में रिवेल्यूशन को डेबिट रखना है। तो रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट, तो रिवेल्यूशन के डेबिट में टू पेटेंट्स 2000। नेक्स्ट, 2% डिस्काउंट इज टू बी रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर, क्रेडिटर से 2% डिस्काउंट रिसीव होना है, ठीक है? तो बताओ मेरे क्रेडिटर 20 के हैं ओल्ड बैलेंस शीट में, 2% डिस्काउंट रिसीव होना है। डिस्काउंट मतलब आपको क्रेडिटर को 400 रुपए कम देने पड़ेंगे, ठीक है? तो 400 रुपए कम देना आपके लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट रिवेल्यूशन के क्रेडिट में आता है। तो आप इसके लिए वर्ड यूज करोगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, जैसे डेटर का डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, क्रेडिटर का डिस्काउंट हमारे लिए प्रॉफिट है, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वर्ड यूज कर लेना, ठीक है? प्रॉफिट हो रहा है तो आपको अपनी एंट्री में रिवेल्यूशन को क्रेडिट रखना है, तो दूसरी तरफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, तो एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूशन, तो रिवेल्यूशन के क्रेडिट में बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर नहीं ऑन क्रेडिटर, कितने परसेंट था 2%, 4 बस। उसके बाद उसने कहा रिवेल्यूशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कोई चीज नहीं है। 5000 इनकम साइड ज्यादा है, 5 3, ठीक है, 3 आया। तो बताओ इस प्रॉफिट पे किसका राइट है, पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर का, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के नाम है ए और बी, और किस रेशो में बांटते हैं ये, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो है 2:1, तो 2:1 के अकॉर्डिंग 2000 इसको और 1000 इसको। सेकेंड नंबर पे बच्चे बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा।
ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी ए बी सी, ठीक है। आपके पास इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल मिसिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सिर्फ न्यू पार्टनर की कैपिटल वाली एंट्री छोड़ देना, बाकी पूरा करो जैसे आप करते हो, ठीक है। देखना, सबसे पहले कैपिटल का क्या लिखते हैं, बैलेंस, ओल्ड कैपिटल, ओल्ड बैलेंस शीट से 40 and 30। सेकेंड नंबर पे ट्रांसफर करते हैं रिवेल्यूशन का प्रॉफिट। बताओ रिवेल्यूशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बीज, तो ए और बी के क्रेडिट में बाय रिवेल्यूशन 2001। उसके बाद हम देखते हैं ओल्ड बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में, चेक करो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है, यस रिजर्व फंड के नाम से 12,000, ठीक है। ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, ओल्ड रेशियो में 2:1, 12,000 है तो 2/3 तो 8,000 एंड 4,000। इसके बांटने की एंट्री क्या होगी, रिजर्व फंड क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बीज, तो बाय रिजर्व फंड 8,000 4,000, ओल्ड रेशियो में बांट दिया। उसके बाद बैलेंस शीट के डेबिट साइड में देखो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, नहीं है। कोई ओल्ड गुडविल पड़ी हुई है जो न्यू पार्टनर के आने से पहले राइट ऑफ करनी हो, नहीं है। मैंने पूरा सम पढ़ा है, बैलेंस शीट के नीचे किसी ने कोई असेट लायबिलिटी लिया नहीं। अब न्यू पार्टनर को एडमिशन दे दो, तो आपको पता है न्यू पार्टनर एक तो कैपिटल लाता है, नहीं है वो एंट्री छोड़नी पड़ेगी। न्यू पार्टनर कितनी गुडविल ला रहा है, 10,000, उसकी एंट्री बताओ क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक क्यों यूज किया, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का ही बैलेंस है लेकिन माइनस बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल का इस अकाउंट पे तो अफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको पता है गुडविल की अमाउंट हम किसको देते हैं, ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, उसकी एंट्री क्या होती है, प्रीमियम क्रेडिट है डिक्रीज पे डेबिट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, तो ए और बी के क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, एंट्री सोचनी है लाइन से, लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। बताओ न्यू पार्टनर गुडविल कितनी लेकर आया है, 10,000, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, ओल्ड रेशियो है ए और बी की 2:1, न्यू रेशियो है ए बी सी की 3:2:1, ए सेक्रीफाइस कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस न्यू 2/3, 3/6, 1/ का सेक्रीफाइस, बी का निकालो, बी का सेक्रीफाइस 1/3, ओल्ड माइनस न्यू, नो सेक्रीफाइस नो गेन, तो पूरे सम में सेक्रीफाइस सिर्फ किसने किया है, ए ने, तो पूरी गुडविल की अमाउंट किसको मिलेगी, ए को, क्योंकि ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, तो पूरी 10,000 जो सी गुडविल लाया है पूरी की पूरी ए को मिलेगी। और लास्ट एंट्री होती है विड्रॉ की, किसी ने कुछ विड्रॉ नहीं किया, ठीक है। तो अब अपने कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो, लेकिन यह डबल लाइन मत करना, अभी एक एंट्री रह रही है न्यू पार्टनर ने कितनी कैपिटल लानी है, 60, 35, 60, 35, आपको पता है ये कौन सी कैपिटल आ गई, ये कैपिटल आई है ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल, दैट मींस न्यू कैपिटल जो न्यू बैलेंस शीट में दिखानी होती है, ठीक है। लेकिन मुझे सी की निकालनी है इनके बेस पे, ठीक है, तो क्योंकि सी के लिए लिखा हुआ है सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट दैट मींस इक्वल टू हिज शेयर, अपने शेयर के लिए लाता है, और उसके शेयर की कैपिटल निकालने के लिए मुझे किसकी कैपिटल चाहिए होगी, फर्म की कैपिटल चाहिए होगी,
ठीक है, तो अब मैं फर्म की कैपिटल कैसे निकालूं वो देखना है आपने। देखो मैं फर्म की कैपिटल कैसे निकालूंगी, ये ओल्ड पार्टनर की ये जो एडजस्टेड कैपिटल आई है ना, सारी एंट्री करने के बाद, मतलब सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो ये एडजस्टेड कैपिटल कह लो या न्यू कैपिटल, इसके बेस पे आप निकालोगे। तो इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। कैसे, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए 60, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी 35, और ये जो इनकी कैपिटल है ये अपने शेयर के लिए, ये न्यू कैपिटल है तो न्यू शेयर के लिए लगी हुई है। तो आपको रेशियो, न्यू रेशियो कितनी है, 3:2:1 न्यू रेशियो यूज करनी है। तो ये ए की न्यू कैपिटल इतने न्यू शेयर के लिए, बी की न्यू कैपिटल इतने न्यू शेयर के लिए, ठीक है। तो ये जो 95 इन दोनों की टोटल कैपिटल है, मैंने इस कैपिटल का टोटल किया, इस शेयर का भी टोटल करो, तो इतनी कैपिटल इतने शेयर के लिए, इसका रेसिप्रोकल कर दो, फर्म की कैपिटल आ जाएगी। टोटल कैपिटल, ये वर्किंग नोट में करना है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, तो 95 कैपिटल इतने शेयर के लिए, इसका रेसिप्रोकल कर दो 6/5, 1,14,000। तो ये फर्म की कैपिटल आ गई। फर्म में से सी की कैपिटल निकाल लो, सी कैपिटल, फर्म की कैपिटल 1,14,000, सी का शेयर कितना है 1/6, तो इसका मतलब सी ने कैपिटल कितनी लेकर आनी है, 19,000 सी कैपिटल लेकर आएगा, ठीक है। तो सी कितनी कैपिटल लेकर आएगा, 19,000 लेकर आएगा, ठीक है। अब लाने की एंट्री डाल दो इसके अंदर, बताओ एंट्री कैश से होगी या बैंक से। बैलेंस शीट के डेबिट साइड में ना कैश है ना बैंक है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, तो एंट्री बैंक से कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो सी कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैंक। सिर्फ क्वेश्चन में ये न्यू पार्टनर की कैपिटल मिसिंग थी जो इस पर बेस्ड है, तो आप पूरा कैपिटल अकाउंट बना के, ये कैपिटल निकाल के, ये वर्किंग नोट बना के, सी की कैपिटल आएगी न्यू पार्टनर की, फिर आप एंट्री कर पाओगे, और उसके बाद इस अकाउंट को क्या करोगे, क्लोज। अब देखो मैंने 99 की 60, 35, 19, 60, 35, 19, अब पूरा सम हुआ, यहां तक बैलेंस नहीं आया था न्यू पार्टनर का, तो टू बैलेंस कैरी डाउन 60, 35, 19। देखो अब तीनों की कैपिटल आ गई, ये न्यू बैलेंस शीट में दिखाओगे, ठीक है। उसके बाद आपने बनानी है न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए बनती है, देखना जो सिलेबस का पार्ट नहीं है। बैलेंस शीट एज एट 1st April 2018, बैलेंस शीट हमेशा बनती है ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए। आपके पास बैलेंस शीट में सबसे पहले है सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स है बच्चे 40, इस पे ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ था 36, 2 से रिड्यूस हो गया था, तो ये कितना रह गया 16, तो प्रोविजन आप करोगे 16। देखो आपके पहले डेटर थे 36,400, अब हो गए 38,400, तो डेटर बढ़ गए ना, तभी प्रोविजन कम होना प्रॉफिट था। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज 20। बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू में भी बच्चे कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज 25। उसके बाद नेक्स्ट है पेटेंट आर वैल्यूलेस, पेटेंट जीरो हो गई थी, मत लिखना पेटेंट जीरो मत लिखना। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं हुआ था, जिसमें कोई ना कोई बड़ा ना घटा, एज इट इज। उसके बाद है बच्चे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक का ही बैलेंस है, क्योंकि वहां बैलेंस शीट में ना कैश था ना बैंक था, तो बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक का ही बैलेंस है। तो कैसे करोगे देखना, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक का माइनस रिजल्ट होता है, मतलब क्योंकि हमने एक्स्ट्रा निकाला होता है तो हमारे अकाउंट में जमा नहीं होता, वही बैंक के बैलेंस के लिए न्यू पार्टनर पे पहुंचना है। न्यू पार्टनर कैपिटल लाया था 19, बिजनेस
बैंक एंट्री हुई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो बैंक में आए थे 19 प्लस 10,000 गुडविल आया था, एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और किसी ने कुछ विड्रॉ नहीं किया, तो इतने बैंक में आए हैं। तो 29 तो प्लस थे बैंक में, माइनस 15 था, तो मेरा रिजल्ट किस में चला गया, प्लस। और बैंक का प्लस रिजल्ट बैंक का बैलेंस शो करता है, तो ये हो जाएगा बैंक का बैलेंस, कैश एट बैंक हो जाएगा बच्चे, ठीक है। बैंक का बैलेंस प्लस में चला गया तो असेट साइड में आ गया 14, ठीक है। ओल्ड बैलेंस शीट में माइनस रिजल्ट था, लेकिन अब बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस में हो गया, मतलब हमारे अकाउंट में उल्टा ज्यादा जमा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है रिजर्व फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट हटा दोगे क्योंकि वो प्लस हो गया है। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद है रिजर्व फंड, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, क्रेडिट था डिक्रीज पे, डेबिट बढ़ चुका है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में हटा दोगे। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मेरे पास है 20 लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 400, तो 19,600। उसके बाद कैपिटल के बैलेंस लिखने से पहले बाहर बैलेंस शीट के नीचे जहां पे असेट इंक्रीज हुई थी डिक्रीज हुई थी वहां सारी असेट चेक करो एक बार। प्रोविजन को कम करके दिखा दिया आपने, यस। दूसरी चीज थी ओल्ड टाइपराइटर, जिसे बैलेंस शीट में पहले नहीं दिखाया था, नाउ टू बी रिकॉर्डेड, तो वो असेट बढ़ रही है, तो इसलिए मैं बार बार चेक कराती हूँ कि बाहर एक बार जब न्यू बैलेंस शीट बना रहे होते हो बाहर रिवेल्यूशन वाली सारी लाइन पढ़ लो, क्योंकि कई बार कोई असेट और लाइबिलिटी बाहर बढ़ रही होती है अंदर नहीं होती। पेटेंट हो चुका, डिस्काउंट दिखा दिया, लास्ट में कैपिटल के न्यू वाले बैलेंस दिखा देना, ए बी सी। ये जो न्यू बैलेंस न्यू ये कैपिटल अमाउंट से जो निकले हैं 60, 35, 19, और आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। तो हमने जो आज टॉपिक किया न्यू पार्टनर की कैपिटल मिसिंग, 75 से लेकर 78 तक के सम यही है, ठीक है। आज और कल में ये फिनिश हो जाएंगे, हमारा चैप्टर बस खत्म ही होने वाला है।